नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका मैसी स्वागत करती हूँ आप सभी का नॉलेज साथी डॉट कॉम पर। आज हम बात करेंगे केयर बंडल्स के बारे में। केयर बंडल्स हैं क्या? केयर बंडल्स एक चेकलिस्ट है जो एज पर एनएमएच प्रोटोकॉल्स हॉस्पिटल में फॉलो की जाती है। ये चेकलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ये रिमाइंड कराती है कि पेशेंट केयर करते समय उन्हें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। केयर बंडल ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर्स यानी कि हापो। इस चेकलिस्ट में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बेड सोर की मॉनिटरिंग करते हैं। तो आइए जानते हैं बेड सोर के बारे में। बेड सोर एक स्किन इंजरी है जो टिश्यू डैमेज होने के कारण हो जाती है। बेड सोर किसी भी मरीज को प्रोलॉन्ग टाइम हॉस्पिटल स्टे के दौरान या घर पर सेम पोजीशन में लेटे रहने की वजह से डेवलप हो जाते हैं। कुछ प्रमुख कारण जो बेड सोर को डेवलप करते हैं: प्रेशर, फ्रिक्शन, मॉइस्चर, ओबिसिटी, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे एंड इनेबिलिटी टू मूव। स्टेजेस ऑफ बेड सोर। स्टेज वन, इस स्टेज में जहाँ बेड सोर डेवलप हो रहा है वो एरिया हमें रेड दिखाई देगा और स्किन की सुपरफिशियल लेयर ही इन्वॉल्व होती है। स्टेज टू, इस स्टेज में टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और वो एरिया जहाँ पर बेड सोर डेवलप हो रहा है वो हमें स्टेज वन के कंपैरिजन में ज़्यादा डैमेज दिखाई देगा और वहाँ पर ब्लिस्टर्स भी फॉर्म हो जाते हैं। स्टेज थ्री, इस स्टेज में फुल थिकनेस के साथ टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और फैट भी दिखाई देने लगता है। स्टेज फोर, इस स्टेज में फुल थिकनेस के साथ टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और बोन, टेंडन्स, लिगामेंट्स और मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो मरीज जिनको सबसे ज़्यादा चांसेस हैं बेड सोर डेवलप होने के वो हैं क्रिटिकली इल पेशेंट्स, एल्डरली एजड पीपल, ओबेस पेशेंट्स, पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड लैक ऑफ सेंसेशन। बेड सोर से बचाव का तरीका, वो मरीज जो हॉस्पिटल में प्रोलॉन्ग टाइम से स्टे कर रहे हैं उनको समय समय पर एग्जामिन करते रहें, हर 2 घंटे में उनकी पोजीशन को चेंज करें, उनके बिस्तर को समय समय पर बदलते रहें। अगर वो मरीज डायपर पहने हुए हैं तो उनके डायपर को समय समय पर चेक करें, गीला होने पर उसको तुरंत बदल दें, बेडशीट को गीला होने पर तुरंत बदल दें। वो मरीज जिनको बेडसोर होने की आशंकाएं हैं उनको स्पेशल मैट्रेसेस जैसे कि वाटर मैट्रेस और एयर मैट्रेस प्रोवाइड कराएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ये जानकारी अगर आप दूसरे लोगों को शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। धन्यवाद।